वही महासमुंद से बड़ी खबर, जहां कोरोना को हराने के लिए इंजीनियरिंग के छात्र ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो महामारी से लड़ने में डॉक्टर्स की मदद करेगा। 5,000 रुपये की लागत से बना ये रोबोट किसी भी सामान को उठाने और ले जाने में सक्षम है। साथ ही किसी भी स्मार्टफोन से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। कोरोना के साथ ही लैंडमाइन डिटेक्ट करने, केमिकल स्प्रे, न्यूक्लियर प्लांट पे उपयोग किया जा सकता है। इस रोबोट को मैंने अपने दो दोस्तों, एक प्रवीण वर्मा जो बाजार का रहने वाला है और एक ऋषिकेश यादव जो बिलासपुर का रहने वाला है, उसके साथ मैंने इसको मिलकर बनाया है। इसको बनाने में मैंने पीवीसी पाइप्स, मेटल शीट्स और मोटर्स का यूज किया है। कितना कॉस्ट आया इसको बनाने में? इसको बनाने में हम लोग को करीब 5,000 का खर्चा है। कैसे वर्क करेगा और कैसे ये डॉक्टरों की कोरोना महामारी में मदद करेगा? ये इस रोबोट के जरिए हम इसको डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट करके हम लोग इसको कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई इंसान रायपुर में बैठा हुआ है और मरीज अगर बिलासपुर में है, तो आप उसको आसानी से इस रोबोट के लिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यह रोबोट पूरे हॉस्पिटल में घूम घूम के मरीजों को देखेगा और डॉक्टर इसके द्वारा कैमरे के द्वारा डायरेक्ट मरीजों से बातचीत कर सकते हैं और उनको दवाई दे सकते हैं।